Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our unit 3 sports. In my last period I had completed activity 8. Now we will continue activity 9. Activity 9. Here is an expert of an imaginary interview of M.S. Dhoni after winning the World Cup. Here is an excerpt of an imaginary interview. M.S. Dhoni after winning the World Cup. World Cup जीतने के बाद M.S. Dhoni का यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया है. यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया है और M.S. Dhoni को जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है. सो इंटरव्यूअर बोलता है उसको, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर हिस्टोरिक विन. इंटरव्यूअर उनको धोनी को अभिवादन करता है कि आपको अभिनंदन, आपने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है. हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होता है. धोनी उनको आंसर देता है, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, बहुत अद्भुत अनुभव लगता है हमको. इट वॉज द टीम स्पिरिट विच वर्क सो वेल. ये हमारी टीम का जुस्सा था, स्पिरिट, टीम स्पिरिट था जिसने एक अच्छा काम किया. इंटरव्यूअर पूछता है, इंटरव्यूअर आस्क्ड, यू रियली कैप्ट योर कूल इवन दो इट वॉज अ क्लोज फिनिश. इंटरव्यूअर बोलता है उसको, सही ने में आपने बिल्कुल शांति से उसको पकड़ के रखा, लगता था वो एकदम क्लोज फिनिश होने वाला था, फिर भी आपने अच्छी तरह से उसको निभाया. धोनी सेड वेल, अच्छा, गंभीर वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एट द अदर एंड. उसने बोला कि दूसरे छेड़े पे गंभीर ने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया था. इट्स अ टोटली द टीम्स एफर्ट, और पूरी टीम का भी एफर्ट प्रयत्न थे, मेरा अकेला का नहीं, वो सबको अपना ये जो जीत है वो सबके लिए उसको बोलता है कि भी ये सब पूरी टीम ने सहयोग दिया और ये विक्ट्री जीत है वो हमने हासिल की है. इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यू कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, फिर से बोलता है भी तुम्हारा, तुमको अभिनंदन फिर से. धोनी रिप्लाइड हिम थैंक यू. धोनी उनको रिप्लाइड में क्या बोलता है, रिप्लाई में थैंक यू, आभार मानता है, और इंटरव्यूअर ये इंटरव्यू खत्म करते हैं. सो थिंक ऑफ अ पर्सन हुम यू एडमायर एंड वुड यू लाइक टू इंटरव्यू. तो आप भी जिस जो आपके आदर्श ये कोई व्यक्ति है उसके बारे में आप, जिसकी आप इमेज नहीं करते हो, आप जिसको आप आपका प्रशंसक मानते हो, तो उसका इंटरव्यू में आप क्या पूछोगे. प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क देम. आप ऐसे क्वेश्चन का सेट तैयार करो कि आप भी, आपको जो पसंद है वो व्यक्ति को आप इंटरव्यू लोगे तो उसको क्या पूछोगे, आप भी क्या पूछोगे. थिंक ऑफ अ पर्सन हुम यू एडमायर, आप इसके बारे में सोचो कि जिसको आप प्रशंसा करते हो, जिसको आप, जिस आपका आदर्श मानते हो, जिसको आप इंटरव्यू लेना चाहते हो. प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चन, आप तो आपको सेट क्वेश्चन का सेट बनाना है. दैट वुड यू लाइक टू आस्क देम, जो आपको उनके लिए पूछना है. फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हुम Did you get the inspiration to become an actor? पहला क्वेश्चन आप पूछोगे, From whom, मतलब ये जो inspiration है एक्टर बनने की वो आपने किससे पाई, आपने ये जो एक्टर बनने की जो inspiration कहाँ से मिली, किससे पाई. At what stage of life you decided to become an actor? और आपने
कौन से स्टेज पे, जीवन के कौन से स्टेज पे एक्टर बनने के लिए आपने डिसाइड किया, नक्के किया कि कौन से जीवन के कौन से तबके पे आपने एक्टर बनने के लिए आपने डिसाइड किया? तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि वेयर डिड यू गेट द ट्रेनिंग या कोचिंग टू बिकम एन एक्टर, और आपने ए एक्टर बनने की ट्रेनिंग या कोचिंग कहाँ से ली? Whom do you admire? आप किसके प्रशंसक हो? Why? क्यों? इट मीन्स कि आपको कोई ऐसा एक्टर जो आपको बहुत अच्छा पसंद था, उसकी एक्टिंग अच्छी लगती थी और वो देख के आप भी एक्टर बनने का डिसाइड किया, तो वो आदमी कौन था, कौन एक्टर ऐसा था, उसके बारे में आपको बताया। What efforts did you put into to become more successful? आपने कौन से प्रयत्न ऐसे रखे जो ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाए? What is your best experience in the entire course of acting? एक्टिंग के संपूर्ण कोर्स के एक्सपीरियंस में आपका बेस्ट कौन सा है एक्सपीरियंस? What is your best experience? आपका सबसे अच्छा अनुभव पूरे एक्टिंग के कोर्स में, आपका सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा है? What is your tips for the budding actor? Budding actor मतलब जो नए उभरते हुए जो कलाकार है एक्टर, उनके लिए आपकी क्या टिप्स है, आप क्या टिप्स देना चाहते हो जो अभी अभी नए नए उभरते हुए कलाकार है, एक्टर है, जो अभी एक्टर बनने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह सूचन करते हो? What is the secret of your success? और आपकी सफलता का रहस्य क्या है? आप इतने अच्छे एक्टर बन गए तो उसकी सफलता आपको जो आपने पाई उसका भेद क्या है, क्या रहस्य है कि जिसकी वजह से आप इतने अच्छे एक्टर बने? तो फ्रेंड्स, यू हैव टू आस्क लाइक दिस क्वेश्चन, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आप इंटरव्यूअर बन के पूछने का है, और आंसर क्या मिलेगा उसके सामने, आंसर क्या बनेगा मिलेगा वो आपको इमेजिन करना है। तो ये पूरा 8 क्वेश्चन का सेट रहा है। नाउ एक्टिविटी 10 में कंडक्ट एंड इंटरव्यू ग्रुप क्विज कंपटीशन ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्विज कंपटीशन, इंटर ग्रुप क्विज कंपटीशन आपको क्या करनी है, अरेंज करनी है, कंडक्ट करनी है, और वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब कोई जितने स्पोर्ट है वो स्पोर्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो स्पोर्ट कब स्टार्ट हुआ था और कौन उसमें अच्छा खिलाड़ी रहा था, उसके बारे में आपको प्रश्न बनाना है, और आपको क्या लेनी, क्विज कंपटीशन का अरेंज करना है। सो देयर विल बी 3 राउंड, इसमें 3 राउंड होंगे। पहला राउंड क्या है, जनरल क्वेश्चन 5 राउंड, जनरल क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन पूछेंगे सबको, बराबर 3 ग्रुप है तो 3 ग्रुप में एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, 5 राउंड होगा, आगे नहीं आएगा तो उसको आगे जाएगा, और विजुअल राउंड है जो आपको कोई स्लाइड बताएगा, कोई खिलाड़ी का फोटो बताएगा और इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, उसको बोले विजुअल राउंड। और रैपिड फायर राउंड मतलब जीके का बहुत ही क्विक आंसर देना है, उसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। मतलब ऐसे 3 राउंड का आपको अरेंजमेंट करना है, ऐसे क्विज कंपटीशन खेलनी है। एंड स्टूडेंट्स में सिलेक्ट द टॉपिक्स फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ देयर चॉइस एंड कंडक्ट एन इंटर ग्रुप क्विज। स्टूडेंट्स टॉपिक्स जो स्पोर्ट्स के जो रिलेटेड जो है टॉपिक्स वो सिलेक्ट करेगा और वो इंटर ग्रुप क्विज कंपटीशन का अरेंजमेंट करेगा। दे विल हैव द 3 राउंड्स एज मेंशन अबव, जैसे मैंने बताया ऐसे 3 राउंड इसका होगा। तो उसके क्वेश्चन आपको बनाना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या क्वेश्चन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वॉन बाय इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स आर, ऐसे क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बनाना है टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वॉन बाय इंडियन हॉकी, इंडियन हॉकी में टोटल जो गोल्ड मेडल
जीते हैं ओलंपिक्स में वो कितने हैं? ए 8, बी 12, सी 6 और डी 9। तो उसका आंसर है ए 8। कितने जीते हैं? 8। लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल वन बाय द इंडियन हॉकी टीम वॉज एट, लास्ट जो सबसे लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता गया था इंडियन हॉकी टीम के द्वारा वो 1890 मॉस्को ओलंपिक्स, 1964 टोक्यो ओलंपिक्स, 1972 म्यूनिच ओलंपिक्स, डी 1992 बेलोना ओलंपिक्स। तो इसका आंसर 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, उसमें छिल्ला मेडल जीता गया था। फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया इज ए केडी जादव, बी हरिहर बैनर्जी, सी प्रदीप बोड़े, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी पहले इंडिविजुअल ओलंपिक में मेडल जीतने वाला इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा? तो केडी जादव। एशियन गेम्स वर लास्ट हेल्ड इन इंडिया, एशियन गेम्स लास्ट कहाँ कब हुई थी? 1982, 1986, 1972, 1990। तो इसका आंसर, उसका भी आंसर आएगा 1982 ए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, ए कपिल देव, बी पीटी उषा, सी मिल्खा सिंह, डी जोगिंदर सिंह। तो उसका आंसर है सी मिल्खा सिंह। आपको मालूम मिल्खा सिंह रनिंग में फास्ट था, तो उसको बोला जाता था फ्लाइंग सिख। ओके फ्रेंड्स, सो लाइक दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू मेक लाइक दिस क्वेश्चन एंड वी हैव कंप्लीटेड हियर यूनिट 3। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 4 इन अवर नेक्स्ट ईयर। यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर इन योर CW नोटबुक एंड आई विल अरेंज अ टेस्ट इन माई नेक्स्ट पीरियड। ओके, जय स्वामीनारायण।